हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वार पावर एनर्जी लेके, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम CBT 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, जो लोग पहले वाला दो वीडियो नहीं देखे हो देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ कॉम्पैक्ट पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही कम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कम टाइम के अंदर आपको मेन जिस्ट निकाल लेना है। मतलब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है और बेसिक्स पढ़ना है। उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे MCQ करने। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी, वर्क क्या होता है? देखिए, वर्क इज डिफाइन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। मतलब कोई भी मान लो बॉडी है, उसको आप धकेल दिए तो धकेलने के लिए जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है मतलब एफ लग रहा है, और वो फोर्स के वजह से वो जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब जिसका घिसक के जा रहा है, ठीक है, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा वर्क। ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी है और एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि ये एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट है और एफ एस दोनों ही होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखिएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट में बन रहा है वर्क, लेकिन वर्क खुद ही है होता है एक स्केलर क्वांटिटी। और केस वन हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्क। वर्क तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक है, पहले देखेंगे पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? जब थीटा का वैल्यू, ठीक है, जो एंगल का वैल्यू 0 से 90 डिग्री 5/2 के बीच में रहता है, ठीक है, तब क्या होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये होता है पॉजिटिव वर्क। यहाँ पे एक्चुअली वर्क का जो फॉर्मूला होता है, देखिए एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके ही आपका वर्क का वैल्यू हो रहा है, ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल देख लेते हैं। टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसको हम लोग पुल करेंगे, ठीक है, खींचेंगे, तो उसमें जो वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। और एक देखिए, ये बॉडी, कोई बॉडी ऊपर से फ्रीली नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए ग्रेविटी भी काम कर रहा है उसमें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो नीचे गिर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो काम हो रहा है वहाँ पे वो हो रहा है पॉजिटिव वर्क। उसके बाद है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा? थीटा का वैल्यू जो पाई होगा, पाई यानी कि 180 डिग्री होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, तब वर्क होगा आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसा है, देखिए एक बॉडी आप हॉराइजॉन्टली राफ्ट सर्विस में पुल कर रहे हो, ठीक है, पुल कर रहे हो मतलब खींच रहे हो, ठीक है, तो हॉराइजॉन्टल सर्विस में, तो तब क्या होगा? जो थीटा होगा उसका भाई पाई हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तब क्या होगा? जो वर्क होगा नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखिए, वर्टिकली ऊपर खींच रहे हो कोई भी बॉडी को, वर्टिकली ऊपर खींच रहे हो, ठीक है, तब क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के नेगेटिव काम कर रहे हो, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वर्क, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जांपल से क्वेश्चन बनेगा, MCQ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आ रहा है कि जीरो वर्क और नो वर्क। जो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होगा, तो वर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बॉडी रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ, कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तब वर्क टर्न जीरो होगा। और ये जो है देखिए, एक ए पर्सन कैरिंग ए बॉक्स ओवर हिज हेड इज वॉकिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बींग एक बॉक्स को सर पे लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो वर्क टर्न है जीरो होगा। ये जो एग्जांपल है दो नंबर का, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन जो है m0 L² T^-2, ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर में बताया था। वर्क का यूनिट देखेंगे, देखिए दो टाइप का यूनिट होता है, जैसे फोर्स जैसा यूनिट था, और एब्सोल्यूट है, ग्रेविटेशनल है। एब्सोल्यूट यूनिट जो डाइन सेंटीमीटर और ऐसा ही है न्यूटन मीटर, और इसका और एक नाम है आर्क बता सकते हो, और यहाँ पे जूल बता सकते हो, और नीचे मैं दिखा दिया हूँ, देखिए जूल और आर्क का जो रिलेशन होता है तो वो भी मैं बता दिया हूँ। देखिए 1 joule = 10^7 R, 1 kg meter = 10^8 joule, 1 gram centimeter = 9980 arc, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत, कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है यहाँ से। और ग्रेविटेशनल क्या होता है, देखिए
एब्सोल्यूट यूनिट को जी से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेविटेशनल यूनिट मिलेगा, और ग्रेविटेशनल यूनिट को जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एब्सोल्यूट यूनिट मिलेगा। तो यही डिफरेंस है, सीजीएस यूनिट में ग्राम सेंटीमीटर, एसआई में है केजी मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, ये होगा पावर का जो फॉर्मूला। पी का डू वी इंटू एफ इंटू वी, तो दोनों वेक्टर है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये पी हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, पावर इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन देखिए एम एल का टी दो माइनस थ्री, और पावर का यूनिट में देखिए दो टाइप का ही है, एब्सोल्यूट है, ग्रेविटेशनल है। एब्सोल्यूट में देखिए सीजीएस में आर्क पर सेकेंड, एफपीएस में फुट पाउंडल पर सेकेंड, और एसआई में वाट। तो ये फेमस है काफ़ी, वाट जो यूनिट है पावर का। ठीक है, और ग्रेविटेशनल में सेम है, देखिए जी से डिवीजन करेंगे तो ग्रेविटेशनल यूनिट आएगा, जैसे सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, एफपीएस में फुट पाउंडल पर सेकेंड, और एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे दो रिलेशन दिया हुआ, देखिए वन एचपी इक्वल टू एचपी हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, वन हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ऐसा यूनिट जिसका है जूल, और डायमेंशन है एम एल का टी टू पावर माइनस टू। तो यूनिट डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है, डायमेंशन है, वो सेम है। ठीक है, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम है। ठीक है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम इक्वल मास ऑफ द बॉडी, वी इक्वल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और एक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी जो है एम जी एच, जी इक्वल टू 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच इक्वल टू हाइट ऑफ द बॉडी। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे दिया हूँ, दो ही इंपॉर्टेंट है बहुत, और रेलवे में पहले भी आ चुका है ये। यहाँ पे देने के लिए जो दिया है देखिए, यहाँ पे वर्क डन निकालना है, ठीक है, W निकालना है, तो W इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा, और फोर्स यहाँ पे 960 न्यूटन, और S दे दिया है 50 मीटर, और कॉस 60 का मान दे रहा है, देखिए थीटा इक्वल टू 60 दे दिया है, तो सीधा बैठाएंगे तो 1500 जूल हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस आपको यूनिट देखना है सही से दिया है या यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, दो चीज़ है। और यहाँ पे प्रॉब्लम जो दिया है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है एम जी एच है, एम का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 9.8 और एच का वैल्यू है 100, तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, कौन सा इक्विपमेंट में कौन सा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये दिया हुआ है, ये भी एग्जांपल है, यहाँ से भी एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, सोलर सेल है, देखिए सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनामो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल टू साउंड, कैंडल केमिकल टू लाइट, कोल केमिकल टू थर्मल, इलेक्ट्रिक सेल केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाल्व ट्यूब इलेक्ट्रिकल टू लाइट, हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, हीट इंजन थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, तो ये सब पढ़ लीजिए आप, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर के लिए, और इस वीडियो आप इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जो लोग नोट्स लिए हो नोट अच्छे से पढ़िएगा, और इस पीडीएफ फॉर्मेट अगर चाहते हो इस नोट्स का तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी खरीद सकते हो। तब तक के लिए चलिए, बाय बाय।